तो हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज का वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे फ्री फायर में 10 रुपीज़ का अनलिमिटेड एयर ड्रॉप ले सकते हो। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों के दिमाग में अभी ये चल रहा रहेगा कि ये बंदा तो फेक वीडियो बनाता है। तो नहीं भाई, आप लोग बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ अगर वो ट्रिक काम करती है। तो मैंने पहले भी 10 रुपीज़ एयर ड्रॉप के ऊपर वीडियो बनाया है, लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है मेरी ट्रिक यूज़ करके। आप लोग नीचे कमेंट देख सकते हो पुराने वीडियोस में जाके। लोगों को अभी भी हफ्ते में 2 या 3 दिन 10 रुपीज़ का एयर ड्रॉप मिलता है, वो भी दो दो अकाउंट में। तो यार मेरी ट्रिक एकदम काम करती है। मैं बाकी लोगों की तरह कुछ उल्टा फुल्टा नहीं बोलता हूँ, ना तो कुछ डिलीट करने बोलता हूँ गाइज यार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोग से एक विनती करना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे अच्छे और एकदम प्रूफ वाले वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूँ गाइस, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को दबा के उसको ऑल कर दो, ताकि आपको मेरे ऐसे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, फ्री में डायमंड सर्न कैसे करें ऐसे वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ, जिससे आपका फ़ायदा होगा गाइज। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब फ्री फायर खेलते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कौन से अकाउंट से खेलते हो, फेसबुक अकाउंट से, गेस्ट अकाउंट से कि वीके अकाउंट से। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग फेसबुक अकाउंट से ही खेलते रहेंगे, बट अगर उनको ये नहीं मालूम है तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यार फेसबुक यूज़र्स ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्री फायर उनको 10 रुपीज़ का एड्रॉप डेली नहीं दे सकता, या तो फिर 3 दिन में एक बार भी नहीं दे सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को एड्रॉप मिलना तो नामुमकिन है गाइज। ठीक है, बट मैं एक ट्रिक लेके आऊँ जिससे आप लोग को गेस्ट अकाउंट, वीके अकाउंट एंड प्लस FB अकाउंट तीनों में आप लोग को 10-10 रुपीज़ का एड्रॉप आएगा। उसके लिए आप लोगों को कहना क्या है मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। अगर आप लोग के पास फेसबुक अकाउंट है, आप लोग ने अगर गेस्ट अब तक एक्टिवेट नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके गाइज अपना गेस्ट अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है गाइज, जैसे ही आज का दिन खत्म होगा, अगर आप लोग के पास कोई भी एड्रॉप है या नहीं है, तो आज का दिन जाए दो। कल जैसे ही आप सुबह उठोगे, सबसे पहले अपना गेस्ट अकाउंट खोलना, अपने गेस्ट अकाउंट में 3-4 गेम खेलना, क्लासिक खेलना, रैंक खेलना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3-4 गेम खेलना, फिर अपने नॉर्मल FB अकाउंट में आ जाना। FB अकाउंट में जितना आपको खेलना आप खेलते हो। जैसे ही FB अकाउंट में, मैं अभी आप लोग बताता हूँ, जो पहला एड्रॉप आएगा बहुत कम परसेंट चांसेस है कि वो 10 रुपये का हो या 25 रुपये का हो, आप लोग को आएगा 190 का। ध्यान से सुनो गाइस, आप लोग को पहले FB अकाउंट में आएगा 190 का। उसके बाद आप लोग क्या करें, जैसे आप लोग का 190 का एड्रॉप आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप खेलते रहो वो अकाउंट में। जैसे ही रात, मतलब जैसे ही आप गेम बंद करने वाले हो, उसके बाद आप लोग गेस्ट अकाउंट खोलना है और उसमें 3-4 गेम खोलना है। जब आप अगले दिन सुबह उठ के, सुनो गाइज, अगले दिन सुबह उठ के वापिस से गेस्ट अकाउंट जब खोलोगे और एक दो गेम खेलोगे, तो आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको गेस्ट अकाउंट में 10 रुपीज़ का एड्रॉप आएगा ही आएगा। ये मेरी गारंटी है, लोगों को मिला है। आप लोग चाहिए तो पुराने वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि लोगों को मिला है कि नहीं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसमें 10 रुपये का एड्रॉप परचेस कर लो आप। उसके बाद आप लोग को नॉर्मल अपने फ्री फेसबुक वाले अकाउंट में आना है और उससे गेम खेलते रहना है, जब तक वो जो आपका ये ना अमाउंट है ना, मतलब जो भी आपका एड्रॉप आया है FB अकाउंट में, वो जब तक ख़त्म नहीं होता। वो ख़त्म होने के बाद आपको अपना VK अकाउंट खोलना है। मुझे आप लोग नीचे कमेंट कर देना अगर आप लोग को अपना VK अकाउंट बनाना है, तो मैं आप लोग को लेजिट बता दूंगा कि कैसे बनाना है। बट मैं आप लोग एक हल्का तरीका बता देता हूँ कि VK अकाउंट को आप लोग कैसे बनाओगे और VK अकाउंट को कैसे बिल्ड, मतलब बिंड करना है उसके साथ, बिंड करना है कि ब्लिंड करना है वो मेरे को नहीं मालूम। आप लोग को सेटिंग्स वाले बटन में जाके आप लोग देखोगे तो हाँ, बाइंड FB अकाउंट और बाइंड VK अकाउंट, यहाँ पर आप लोग को जाके बाइंड करना है अपना। देखो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, अभी आप लोग बोलोगे कि भाई गेस्ट अकाउंट बना दिया तो बाइंड FB अकाउंट, बाइंड VK करेंगे, तो आप लोग कह सकते हो, ठीक है, आप लोग इजीली कह सकते हो। जैसे ही आप लोगों को 10 रुपये का एड्रॉप आया, तो आप लोग उसको बाइंड कर दो VK अकाउंट पे, उसके बाद नया गेस्ट अकाउंट खोलो। इससे क्या होगा गाइज, आप लोग का फ्री फायर में 3 अकाउंट हो गया और आप लोग को तीनों में 10-10 का ऑफर आएगा। जैसे मैं बोला ना कि सुबह उठ के आप लोग को हर अकाउंट में थोड़ा थोड़ा गेम खेलना है, VK और गेस्ट अकाउंट में आप लोग को कम गेम खेलना है, ज़्यादा आप लोग को FB में खेलना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोग को समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप कम गेम खेलोगे VK अकाउंट पे, अगर आप कम गेम खेलोगे गेस्ट अकाउंट में, तो फ्री फायर को लगेगा कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, अब हम क्या करें, तो आप लोग को ऑफर देगा।
ठीक है, ये आप लोग को ललचाने के लिए ऑफर देगा, यानी गारंटी के साथ देता है, क्योंकि ये जो मेरा अकाउंट है US सर्वर का, मैंने इसके अंदर ट्राई किया। पहले मैं रेगुलर खेलता रहा, एक दिन में मैंने 4 लेवल क्रॉस किया, उसके बाद मैं 2 दिन खेला ही नहीं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने तीसरा दिन खेला, ठीक है, US सर्वर, जब मैं तीसरा दिन खेला तो मुझे 10 का ऑफर आ गया। बट मैं इतना पागल इंसान हूँ ना, जिस दिन मुझे ऑफर आया मैं बोला कि हाँ चल मैं ले लूँगा, उसके मतलब वही दिन मैं बोला कि चल 10 घंटा बाकी मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के ले लूँगा। एंड मैं सुबह उठा तो ऑफर गायब हो गया था। आई वॉज लाइक शिट मैन, मैंने क्या कर दिया। तो यार ये ट्रिक आराम से काम करती है, चाहिए तो मैं आप लोग को ना रिपीट कर देता हूँ। आप लोग को हर अकाउंट में गेम खेलना है, ऐसा नहीं कि आप लोग को बस FB अकाउंट में, आप लोग को हर एक अकाउंट में गेम खेलना है, गेस्ट, VK और अपना नॉर्मल FB अकाउंट, हर अकाउंट में आप लोग को मुश्किल। VK और गेस्ट अकाउंट में गैस आप लोग को 15 15 मिनट के लिए खेलना है, उसके बाद आप चाहे FB अकाउंट में खेलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट याद रखना गाइज, दिन में आधा घंटा आप लोग को VK अकाउंट को देना ही देना है और गेस्ट अकाउंट को देना ही देना है। इससे क्या होगा गाइज कि आप 24 घंटे में से बस आधा घंटा या 20 मिनट अपने अकाउंट को दे, तो गरीना वाले लोग को लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, इसको इंटरेस्ट नहीं रहा, तो गरीना वाला एक ऑफर देगा, यानी गारंटी है गाइज। मैं रिसेंटली अभी मैं आप लोगों को प्रूफ दे देता हूँ कि मैंने ना एक बंदा था उसका, उसको मैंने बोला कि भाई तू 3 दिन अकाउंट बंद रख, ठीक है, 3 दिन अकाउंट बंद रख, मतलब 3 दिन खेल, पाँच पाँच दस दस मिनट के लिए खेल। वो बंदा मेरा मॉडरेटर है, वो बंदे ने मेरी बात मानी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उसको 10 रुपीज़ का एयरड्रॉप आ चुका है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको चैट भी दिखा सकता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, मैं आप लोगों को चैट दिखा दूंगा। तो यार ये ट्रिक एकदम ही काम करती है, ऐसा कोई भी जो बाकी लोग बोलते हैं कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। नॉर्मल ट्रिक है, आप जितना जो अकाउंट में कम खेलोगे उतना आप लोग को ऑफर आएगा ही आएगा गाइस। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आप लोग को चाहिए कि मैं आप लोग के लिए VK अकाउंट कैसे बनाते ये बनाऊँ, तो यार नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं बता दूंगा कैसे बनाते VK अकाउंट, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत होती है VK अकाउंट बनाने के लिए गाइस। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, कीप सपोर्टिंग गाइस, मज़ा आ रहा है आप लोग के साथ वीडियो बनाते हुए गाइस। चलो गाइस चलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।